चिराग का नीतीश पर वार, कहा महिषासुरी सरकार ने मां दुर्गा के भक्तों पर चलाई गोलियां। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के भागलपुर और नौगछिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिषासुरी सरकार है जो मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाती है। माता के भक्त ये भूलेंगे नहीं, 10 नवंबर को परिणाम सामने होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर मिथिला में सीता मां का भी मंदिर बनवाएंगे। भागलपुर, नाथनगर और गोपालपुर विधानसभा से अपने पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए वे पहुंचे थे, जहां से खगड़िया और बेगूसराय के लिए वे निकले। चिराग पासवान ने कहा कि पहले चरण के चुनाव का जो फीडबैक मिला है उससे लग रहा है कि एक तरफा जीत है हमारा। बिहार और बिहार वासियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ कहा कि यहां उन्होंने खूब विकास किया है। चिराग ने अपने दिव्यांगत पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि पापा थे तो सभा खत्म होते ही फोन कर पूछते थे कि लोगों का क्या हाल समाचार लिया, सबको क्या आश्वासन दिया। आज वे नहीं है लेकिन उनकी सिखाई गई बातें मेरे जहन में है। पापा कहते हैं जो शेर का बच्चा है जंगल चीर के निकलेगा, तो मैं बता दूं कि मैं तमाम बाधाओं को चीर के निकलूंगा और बिहार को शिखर पर पहुंचाऊंगा। माँ का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी है और भगवान राम माता सीता बिना अधूरे। इसीलिए साथियों, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही भव्य मंदिर माता सीता का सीतामढ़ी में बनाया जाए। साथियों, इससे मेरी आस्था तो जुड़ी है, पर सोचिए एक एक करके जितने पर्यटक स्थल है बिहार में, अगर उनको विकसित कर दिया जाए तो बिहार में राजस्व कितना बढ़ेगा। जितने पर्यटक स्थल है अगर उसमें लोग निवेश कर लिया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यहीं पर होटल खुलेगा, रिजोर्ट आएगा, यहीं पर ही बिहार का युवा का आज आप लोगों से करने आया हूँ, यह आग्रह आप लोगों से करने आया हूँ। बाबा साथ में नहीं है पर मुझे याद है पहली बार एक ऐसा चुनाव है जब बाबा साथ में नहीं है। इससे पहले जब भी कभी बाहर निकलता था, किसी भी कार्यक्रम में जाता था तो कार्यक्रम करने के तुरंत बाद पापा का फोन आता था, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा, तुमने क्या बोला, लोगों ने क्या जवाब दिया, क्या समस्या थी उस क्षेत्र की, तुमने क्या समाधान दिया, सारी बातें पापा घंटों तक मुझसे पूछते थे। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर जाने से पहले पापा ने एक बात कही थी मुझसे कि बिहार में विकास की राह पर चलते हुए भले लाख कठिनाई आए अड़चन आए, पर बिहार में अपने आप को कभी अकेला मत समझना, 12 करोड़ और आज बस यही आशीर्वाद मांगने आप लोगों के बीच आया। पापा ने इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी कि आज अकेला इस रणभूमि में डट कर खड़ा हूँ, बिहारी अस्मिता के लिए लड़ रहा हूँ, बिहार के विकास के लिए लड़ रहा हूँ और पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करते तक लड़ता रहूंगा। पापा ही मुझे सिखा के गए थे कि भैया शेर का बच्चा है जंगल चीर कर निकलेगा और जंगल चीर और जंगल को चीर कर फिर से बिहार बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जा रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री बैठे हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पर अगर वहां पर जाकर बिहारी अगर काम कर सकता है, रोजगार कर सकता है तो बिहार में क्यों नहीं कर सकता। जवाब दे मुझे युवा बिहारी जिंदाबाद।
इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट जिसमें शिक्षा व्यवस्था रोजगार व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में ही मिले। कोई कारण नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा नहीं हो सकती। क्यों आज भी मेरे बच्चों में कोटा जाना पड़ता पढ़ने के लिए? लॉकडाउन में याद है ना किस तरीके से बच्चे कोटा में रह रहे थे वापस आने के लिए, और मुख्यमंत्री ने लाने से साफ मना कर दिया। कैसे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर हम तो साथियों बताए मुख्यमंत्री कि भैया ये जो तस्कर बने हैं नए, मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार जी की तस्करी का पैसा उनकी जेब में जाते हैं ना, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों जो मुख्यमंत्री बिहारियों से झूठ बोलता हूँ, जो मुख्यमंत्री बिहार में विकास की बजाय अपने विकास की चिंता करता हो, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की चिंता करता हो, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए क्या? जो मुख्यमंत्री भाई को भाई से लड़वाने का काम करता हो, हम लोगों को जाति में बांटने का काम करता हो, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, भैया मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलने की। बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात का धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में आई नहीं आएगी, जब तक हर गरीब व्यक्ति खुद कमाकर खाने के लायक नहीं बनेगा, तब तक बिहार का समुचित विकास नहीं हो सकता। और ये सोच बिहार खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।